सर जी कौन सा गाँव है ये? बेटी दे जागीर, ठीक है ना, कक्ष नंबर 158 में। ये जो दो कोरोना पॉजिटिव केस वोट देने आए थे, तो उनका पूरा क्या कहते हैं कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए उनकी वोटिंग कराएंगे, ठीक है। तो सर जैसे कि जो कोरोना पॉजिटिव की वोटिंग डाली गई तो वो तो अंदर चले गए थे, इसमें कोई उनके घर का सदस्य भी ये कार्य कर सकता था जो आपकी रजाबंदी होती थी? मैं ज्यादा आपको नहीं बता सकता, आप जो क्या कहते हैं बस सब है। मैं बस थैंक यू सर। वर्मा जी, सर वोटिंग वगैरह कैसा क्या चल रही है? वोटिंग ठीक तरीके से हुई, कोई किसी तरीके कोई घटना नहीं हुई है, किसी तरीके की कोई अप्रिय सूचना नहीं मिली है। जो आप कोरोना पॉजिटिव वोटर को वोट डालने के बारे में पूछ रहे हैं, वो पीपी किट सेक्टर मजिस्ट्रेट ले गए हैं और बेहटी गांव में वो वोट डलवाए गए हैं। और सर मानो कि जो बेहटी गांव है जो 11 ब्लॉक में अंतर्गत आता है और उसमें जो कोरोना पॉजिटिव निकला है और उनका वोटिंग कराई गई है, और सर मानो कोई टीचर है और पुलिस का विभाग है, मानो किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका जिम्मेदार सर कौन होता है? नहीं तो इसी वजह से पीपी किट यहाँ से सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा ले जाई गई है कि किसी तरीके कोई असावधानी ना हो, और पीपी किट पहन के उन लोगों ने वोटिंग की है। तो सर जो इससे कोई किसी तरीके की कोई असावधानी होने की गुंजाइश नहीं है। और सर जैसे जो एंट्री की उन लोगों ने अंदर, और जो पुलिस तैनात थी और स्कूल स्टाफ जो था बेसिक का जिनकी ड्यूटी लगी गई हुई थी वो तैनात थे, और बाद में क्या किया उन्होंने जैसे एंट्री की और बाद में पता चला है कि वहाँ वो कोरोना पॉजिटिव है, जो पीपी किट है वो बाद में गई है, बाद में पहनाई गई है, बीच में कोई किसी बेसिक के टीचर को प्रॉब्लम होती है चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है किसी को प्रॉब्लम होती है उसका जिम्मेदार सर कौन होगा? नहीं इसी वजह से पीपी किट दी गई है और पीपी किट पहन के ही वोटर ने वोट डाला है। अब बाकी इस तरीके की जानकारी नहीं है कि वो वोटर वहाँ आके पहले खड़ा हो गया, पीपी किट बाद में पहनी है, इस बारे में यहाँ कोई जानकारी नहीं। और दूसरी बात सर मानो क्या है कि जो जिनको कोरोना पॉजिटिव जो निकले हैं उनके घर में जाकर उनकी सहमति से उनका परिवार सदस्य भी इस बात को बता सकता था मजिस्ट्रेट को और कह सकता था कि इनका वोटिंग जो है कराया जाए, वो घर में भी मतलब जो वैलिड पेपर था घर से भी आ सकता था? नहीं नहीं ये इस तरीके की चुनाव आयोग ने कोई व्यवस्था नहीं दी। ठीक है, आपको वोटर को वोट वहीं बूथ पे आके डालना होगा जी, इस तरीके की चुनाव आयोग की तरीके से कोई निर्देश नहीं थे कि घर में वोटिंग करा दी जाए। और दूसरी बात सर किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसका जिम्मेदार सर कौन होता है? अरे इसी वजह से सावधानी बरती गई है कि कोई प्रॉब्लम ना हो, पीपी किट इसी वजह से पहनाई गई है कि प्राय कोई प्रॉब्लम ना हो, तो जब सारी सावधानी बरती गई है तो प्रॉब्लम होने की कोई संभावना नहीं है। और सर इसके अलावा और भी स्कूल में और भी जगह पे कोरोना पॉजिटिव निकले थे बेटी के अलावा? यहाँ कोई जानकारी नहीं। थैंक यू सर।